किसी भी सेल को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए उस सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, सेल की बाउंड्री की तरह। जैसे शहरों में जमीन की प्लॉटिंग की बाउंड्री होती है जो डिफाइन करती है कि इसी बाउंड्री के अंदर किसी व्यक्ति की जमीन है, ठीक उसी तरह सेल की बाउंड्री का निर्धारण ये सेल मेम्ब्रेन करते हैं। देखिए, सेल की बाउंड्री जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बहुत ही खास होती है। ये सेल मेम्ब्रेन निर्धारित करता है कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी या कौन कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, और इन्हीं कारणों से सेल के अंदर किसी भी प्रकार का सिग्नल का आवागमन भी हो पाता है। ये सेल मेम्ब्रेन बने कैसे हुए होते हैं, चलिए सबसे पहले आज हम यही जान लेते हैं। देखिए, हमारी सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से। अगर आप इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो ऊपर का जो गोल सा भाग आप देख पा रहे हो ये फॉस्फेट ग्रुप का मॉलिक्यूल होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, यानी ये वाटर लविंग मॉलिक्यूल होता है। ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए फ्रेंडली होते हैं। और इस गोल से बॉल के नीचे जो आप टेल देख पा रहे हो, ये दो टेल असल में लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते हैं। ये मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन में इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप का मॉलिक्यूल बाहर और अंदर की ओर सरफेस पे रहता है, और बीच में यानी मेम्ब्रेन के लेयर के बीच में लिपिड की लेयर होती है। इससे होता यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल कभी भी सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं और लिपिड्स मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर आ पाते हैं। देखिए, मेम्ब्रेन की लेयर में कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर या बाहर की ओर मूवमेंट कर पाते हैं, पर कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इन मॉलिक्यूल को, जो बड़े बड़े हैं, अगर सेल को इसकी जरूरत है तो इन्हें सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए सेल में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये प्रोटीन सेल के सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं और सेल के अंदरूनी भाग पर भी हो सकते हैं, या सेल के मेम्ब्रेन के बिल्कुल आर पार भी हो सकते हैं। ये प्रोटीन किसी भी मॉलिक्यूल के आवागमन के लिए जिसकी जरूरत हो सेल को, ये प्रोटीन सेल के सरफेस पे रिसेप्टर की तरह हो सकते हैं या चैनल की तरह हो सकते हैं, जिनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब देखिए, इसी सेल मेम्ब्रेन में बीच बीच में कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होते हैं, ताकि ये मेम्ब्रेन को एक मजबूत स्ट्रक्चर दे सके जिससे कोई भी बाहरी मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर प्रवेश न कर सके। देखिए, इसी मेम्ब्रेन से ही जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना, वो इसी मेम्ब्रेन से ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक हल्का सा अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए इस वीडियो के थ्रू कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। आगे हम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कठिन भाषा में नहीं, साधारण से साधारण भाषा में जानेंगे कि हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ये काम कैसे करता है। इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।